आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म इस बार ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। साथ ही बता दें कि सत्र 2020-23 का जो स्नातक पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तो कैसे छात्र अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, बहुत से छात्रों का जो डाउट है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्नातक पार्ट थ्री का रिजल्ट सुधार कैसे करना है, छात्रों का बहुत ही दिक्कत है। स्नातक पार्ट थ्री का एग्जाम देने के बावजूद भी रिजल्ट पेंडिंग में चला गया है, छात्र बीएड का फॉर्म नहीं भर पा रहे, साथ ही जो ग्रेजुएशन पर फॉर्म भरा जाता है वो छात्र वंचित है। आखिरकार रिजल्ट आपका सुधार कैसे करना है, बहुत से छात्र क्या करते हैं कि रिजल्ट सुधार नहीं हो पाता है, हताश होकर विश्वविद्यालय आरा के गलती के कारण रिजल्ट जब सुधार नहीं होता है तो हताश होकर घर बैठ जाते हैं और रिजल्ट सुधार नहीं करवाते हैं। तो आप लोग के साथ हैं, आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा हालात जो है धीरे धीरे बिगड़ रहा है, बिगड़ा था जो हालात कोरोना के कारण, ये धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो आप लोग के साथ हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इसके बाद स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड कब आएगा, चलिए ये भी इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। बीकेसीयू आरा का न्यू एडमिशन का दिक्कत है बहुत से छात्रों का, जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं स्नातक पार्ट थ्री के उन छात्रों के पास जिनका रिजल्ट त्रुटि है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलेज है अलफिज कॉलेज का, ये नोटिस क्या निकाला है कि जिनका भी रिजल्ट त्रुटि है तो आप सभी 21/6/2021 से 24/6/2021 तक आप स्नातक पार्ट वन का टू का टीआर आप कॉलेज में जाकर जमा कीजिए, कॉलेज में जमा कीजिए। जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग में चला गया है ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके विश्वविद्यालय के पास भेजेंगे ताकि आपका रिजल्ट जल्दी से सुधार कर दिया जाए। तो ये है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शेर शाह का भी कॉलेज का नोटिस आ गया है, ये धीरे धीरे सभी कॉलेज का नोटिस आ जाएगा कि आप लोग 25 तारीख के भीतर ये जो नोटिस आया ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे कि स्नातक पार्ट थ्री का जो रिजल्ट है पार्ट वन का टीआर पार्ट टू का टीआर आप कॉलेज में जमा कर दीजिए जाकर, और कब जमा हो रहा है आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर लीजिए। धीरे धीरे नोटिस आ रहा है, विशेष दूत के माध्यम से ये विश्वविद्यालय आरा भेज दिया जाएगा कंप्यूटर सेंटर के विभाग विज्ञान भवन में, और जो भी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग है जल्द ही सुधार किया जाएगा। और यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि आप जल्दी से भेजें ताकि छात्रों का जो रिजल्ट है जल्दी से प्रकाशित किया जाए। तो आप सभी कॉलेज में चले जाइए, जिनका भी रिजल्ट त्रुटि है वहाँ पर कॉलेज में जमा कर दीजिए। तब पर भी आपका रिजल्ट सुधार नहीं होता तब तक आप लोग के साथ हैं, तब तक ले आप कॉलेज में चले जाइए वहाँ पे जाकर जमा कर दीजिए। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं स्नातक पार्ट वन के वैसे छात्र जिनका त्रुटि चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 296 यहाँ पे अकाउंट पे दिखा रहा है, 300 यहाँ पे, तो इसे कोई दिक्कत नहीं। विश्वविद्यालय आरा का यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशन विभाग से नोटिस है कि ये बड़ी दुख की बात है कि आप लोग रोल कोड के साथ रोल नंबर भरना है। बहुत से छात्र क्या है कि रोल कोड भर दिए हैं, फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, रोल नंबर भर दिए हैं, फॉर्म को फिलअप कर दिए। यदि आप दोनों नहीं भरते हैं तो जो छात्र फॉर्म को भर रहे हैं तो ऑलरेडी बता रहे हैं। तो आप सभी रोल कोड रोल नंबर दोनों एक साथ भरिए, और जिनका भी ऑलरेडी बता रहे हैं फॉर्म को फिलअप नहीं किए तो आप मेल करके उस फॉर्म को रद्द कराइए, वोकेशनल में भर दिए हैं तो उसको भी रद्द कराइए। ताकि देखिए मेल आपको करना है तो मेल आप उसी मेल आईडी से कीजिए जो आप यूज में ले रहे हैं। इसके बाद इंटर का जो भी आपका गलत है तो इंटर का कोई भी चीज़ जो भी है आपका जो भी इंटर का जो भी डाटा है इंटर का डाटा आपका कोई भी सुधार नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद कोई भी आप सुधार करवाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय आरा के पास मेल करके सुधार करा लीजिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको डिटेल से हम बता सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो नोटिस है स्नातक पार्ट टू एडमिट कार्ड को लेकर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड का जो नोटिस आया था आप सभी देख रहे थे यहाँ पे कि 16 से 20 के भीतर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो बहुत से छात्र हमारे पास मैसेज कॉल करें कि एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप तो लोग 20-21 तक इंतजार कर लीजिए। 20-21 तक वैसे भी आपका जो एग्जाम है इस महीना का अंत में होगा, क्योंकि जुलाई भी फर्स्ट वीक जा सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय लेट कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि 20-21 तक इंतजार कर लीजिए। 20-21 के बाद आपका यदि रिजल्ट जो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तब लोग हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो आप लोग 20-21 तक इंतजार कर लीजिए। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ये भी आप लोग को बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब चलिए वेबसाइट पर फिर से चलते हैं। आपको स्नातक पार्ट वन का जो नोटिस था रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर, तो बता दें कि बहुत से छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर का इशू है, प्राइवेट कॉलेजों में देखिए क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है कि वो लोग देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर इस कारण नहीं देते कि आप लोग से पैसा मांगा जाए। आप लोग पैसा देंगे और खुद कॉलेज ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर देता है। तो बहुत से छात्र क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज प्राइवेट का मांगते हैं। यदि प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार इन्फो डॉट इन के वेबसाइट पर आ गए हैं। बिहार इन्फो डॉट इन सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए आपका जो अपकमिंग में है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे अपकमिंग में है। असाइनमेंट स्नातक पार्ट टू का कमिंग में है। स्नातक पार्ट वन का भी रिजल्ट अपकमिंग में है। अब देखिए जो भी छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे स्टूडेंट जोन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आकर आप नीचे स्टूडेंट जोन में या कहीं भी यहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं स्नातक पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर अपडेट किया गया है। तो देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राइवेट कॉलेज के नहीं देते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज के नहीं देते हैं तो आप क्या होता है कि वो लोग ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं। अब रहा सरकारी कॉलेज का, तो सरकारी कॉलेज का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आ जाएगा, तो आपको चेक कहाँ करना है यहाँ पे देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन में है वीकेसी पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब वीकेसी रजिस्ट्रेशन नंबर ये रजिस्ट्रेशन आइकॉन में है, अब इस पर देखिए, अब आपको यहाँ पे आना है। अब जिस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे चार कॉलेज का अभी तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर है यही कॉलेज का। अब जो भी आएगा तो सरकारी कॉलेज का यहाँ पे आते जाएगा, और यदि प्राइवेट कॉलेज का आता है तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे। अब जिस कॉलेज का नहीं आता है तो जानिए कि उस कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, यदि उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलता है तो सरकारी कॉलेज का इसी पर आएगा, आप लोग इंतजार कर लीजिए। अब देखिए आपका एडमिट कार्ड आपको कैसे देखना है, सबसे पहले ये भी बता देते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको नीचे यहीं पे ऑप्शन है एडमिट कार्ड का, यहाँ पे आपको आ जाना है एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड पे आने के बाद आपको इस ऐड को बंद कर देना है। आप यहाँ पे जो भी वीडियो है कॉलेज अपडेट का नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। अब देखिए अब एडमिट कार्ड देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड का क्या अपडेट है। तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दो लिंक दिया गया है आपको एडमिट कार्ड का, यहाँ पे दो लिंक दिया गया है। तो अब देखिए आपको नीचे आना है एडमिट कार्ड लिंक वन, और एडमिट कार्ड लिंक वन पे 404 नोट फॉर्म बताइए, यानी जैसे भी ये अपडेट होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड लिंक टू पे आना है, तो वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कोई भी एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जैसे ही आएगा आप एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।